नमस्कार, आज की ताजा खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का खतरा अब शेल्टर होम तक पहुंच गया है। दिल्ली के झंडेवालान में बने एक शेल्टर होम में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया कि वहां बने एक शेल्टर होम में पहले एक केयरटेकर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद जब दूसरे लोगों की जांच हुई तो 5 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद शेल्टर होम को सील कर दिया गया है। वहां बने कुल 4 शेल्टर होम में करीब 80 लोग रहते हैं और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये पॉजिटिव केस वहां सामने आए उसके बाद फिलहाल शेल्टर होम को सील कर दिया गया है। दिल्ली में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने नियमों के तहत शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी, जिसके बाद से दिल्ली में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ कम होती नहीं दिख रही। कुछ ऐसा ही नजारा पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में मौजूद एक शराब की दुकान के बाहर दिखा, जहां घंटों लाइन में लगकर लोग शराब की दुकान के खुलने का इंतजार करते दिखे। शराब खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए दुकान के बाहर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गोल घेरे बना दिए गए, जिनमें कई लोग खड़े होकर इंतजार करते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने वहां अपनी जगह पत्थर रख दिए। कुछ लोग पत्थरों पर बैठे नजर आए, एक आदमी तो लाइन में बैठकर अखबार पढ़ता दिखा। हालात न बिगड़े इसके लिए दुकान के बाहर पुलिस के जवान भी तैनात दिखे, जो लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे। तो लोग वाइन शॉप पे सामान खरीदने के लिए आए हैं, वो अपना बारी का इंतजार करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। दिल्ली में शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 11 बजे है, लेकिन शराब खरीदने के लिए लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन में लग गए। 4 बजे से सुबह 4 बजे बैठे हो? हाँ जी। अच्छा, कितने शराब लेंगे? 4 पौवे लूंगा जी। शराब की दुकानों पर भीड़ से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ई टोकन सिस्टम की शुरुआत की गई। यही नहीं, इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। शराब के लिए लाइन में खड़े एक आदमी ने तो दिल्ली सरकार के ई टोकन सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैंने बहुत बार ट्राई किया, आधी रात को भी किया, सुबह भी किया, रात को भी किया, मैंने दिन में कम से 50 बार ट्राई किया, खुलता ही नहीं है वो। हालांकि भीड़ से बचने के लिए पुलिस ने दुकान के बाहर बैरिकेड की मदद से एक छोटा रास्ता बना दिया। कई जवान भी तैनात दिखे, जो शराब खरीदने आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते दिखे। दुकान के बाहर एक आदमी भी दिखा, जो मशीन की मदद से दुकान के अंदर दवा का छिड़काव करता रहा। कोरोना महामारी की वजह से अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। नौसेना के मिशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को समुद्र के रास्ते लाया जा रहा है। वहां से 698 भारतीयों को लेकर भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS जलाश्व देर रात रवाना हुआ, जो केरल के कोच्चि पहुंचेगा। अगले कुछ दिनों में मालदीव से लगभग 5,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी है। समुद्र सेतु के तहत ये पहली यात्रा है जिससे भारतीय अपने देश लौटे थे। इंडियन नेवी के मुताबिक माले से चले INS जलाश्व में 698 लोगों को लाया जा रहा है। इसमें 19 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कुल 698 यात्रियों में 595 पुरुष और 103 महिलाएं हैं। ऑपरेशन वंदे भारत, the evacuation exercise from Maldives has just begun. You see in the background INS Jashwa, which is all set to sail with 698 Indians from Male to Kochi. In the next 36 to 40 hours, it should reach Kochi. And I would like to thank the Indian Navy.